प्रधानमंत्री मोदी का 4 नवंबर को होगा दुर्ग आगमन, जानिए दुर्ग पुलिस द्वारा आवश्यक निर्देश, रूट व पार्किंग प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को दुर्ग में आम सभा को संबोधित करेंगे। चुनावी सभा को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। रविशंकर स्टेडियम में विशाल पंडाल तैयार किया गया है। वहीं प्रशासन के अधिकारी व भाजपा नेता भी सभा स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। सभा की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की ये पहली सभा होगी। इसी के चलते दुर्ग पुलिस द्वारा रूट एवं पार्किंग संबंधित प्लान जारी किए गए हैं। सभा स्थल रविशंकर स्टेडियम दुर्ग में हजारों से लाखों की संख्या में आम नागरिकों के आने की संभावना है। इसी को देखते हुए दुर्ग पुलिस के द्वारा वाहन पार्किंग स्थल एवं कार्यक्रम से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम में आने वाले वाहनों के लिए अलग अलग दिशाओं में पार्किंग चिन्हांकित किए गए हैं। वहीं रूट की बात की जाए तो जयंती स्टेडियम हेलीपैड से ग्लोब चौक सेक्टर 9 चौक 32 बंगला तिराहा वाई शेप ओवर ब्रिज मालवीय नगर चौक रविशंकर स्टेडियम प्रतिबंधित मार्ग रहेगा। वहीं 4 नवंबर को दुर्ग शहर के अंदर भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वाहन चालकों से अपील है कि इस दिन वीवीआईपी मार्ग में हॉस्पिटल स्कूल ऑफिस एवं आवश्यक कार्य से आने जाने वाले वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें, जो कि ग्लोब चौक से सेक्टर 9 32 बंगला की ओर जाने वाले वाहन चालक गैरेज रोड फॉरेस्ट एवेन्यू मार्ग का प्रयोग करें और वाई शेप से पटेल चौक की ओर जाने वाले वाहन चालक मालवीय नगर चौक से जेल रोड महाराजा चौक मार्ग का प्रयोग करें। कार्यक्रम स्थल में किसी भी प्रकार की सामग्री ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। कार्यक्रम स्थल पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।